मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। मोबाइल तो ऑलमोस्ट सबके पास है और मोबाइल से ही आप बनाते भी हैं वीडियो, तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन शेयर करते हैं। आप देखिए मेरी स्क्रीन पे मोबाइल स्क्रीन आ रही है, और वाइटी स्टूडियो कैसे देखना है ये हम चेक करते हैं। मैंने अपना वाइटी स्टूडियो ओपन कर लिया, आप भी अपना वाइटी स्टूडियो ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास वाइटी स्टूडियो ना हो, ये वाइटी स्टूडियो जो आपको दिख रहा है, तो आप प्ले स्टोर में जाके सबसे पहले नंबर पर वाइटी स्टूडियो डाउनलोड कर लीजिए। वहां से फिर अपनी आईडी से आप साइन इन कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस सामने खुल जाएगा, जैसे आपके सामने ये खुल के आ रहा है वाइटी स्टूडियो पर। और ये यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबर पे आपको तीन चीजें देखना है कि आप पहले नंबर पर अपनी वीडियो की परफॉर्मेंस देखिए, और वाइटी स्टूडियो आपको ए टू जेड सारी चीजें बता देता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ये तीन चीजें आपको देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि ये जो आपका है फर्स्ट जो आपकी वीडियो का मतलब परफॉर्मेंस, आपको अपनी वीडियो का परफॉर्मेंस देखना है। ये जो टिक है, तो ये यहाँ पे आप देखिए व्यूज है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, ये आपको इस चीज को आपको मेन है, ये ध्यान आपको रखना है। क्योंकि ये एरो देखिए, अगर जिस जिस वीडियो का आपका ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी वीडियो सही है। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए नीचे दे रखा है, ये एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है यहाँ पे नीचे दे रखा है 53 से 1.14, तो मेरा है 2.14, यानी 10 डबल है, तो ये अच्छा है, ये नीचे हो गया। क्लिक थ्रू रेट, इसका मतलब मेरा थंबनेल जो है वो चेंज करने की जरूरत है। ये थंबनेल 0 हो गया, और जिस पे टिक लग गया यानी व्यू टिपिकल 10 से 30 है, तो 29 आए, टिक लग गया, इसका मतलब आपके 100 100 है, आप ये जा भी सकती है वीडियो आगे, नहीं भी जा सकती। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ये तीन चीजें। अगर आपके सारे तीनों टिक ऊपर जा रहे हैं, तो समझ लीजिए वीडियो आपकी आज नहीं कल वायरल होगी, जरूर होगी। क्यों? क्योंकि ये टिक आपके तीनों ऊपर जा रहे हैं, तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये आपने समझ लिया, उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो आता है, और आप ऐसे करके सारी अपनी वीडियो चेक कर सकते हैं। आप कंटेंट में जाएंगे ऐसे करके, और कंटेंट में जाके आप जो सी वीडियो चाहें, ये वाली वीडियो थी इस पे जाएंगे तो आप इसको देखेंगे, ये भी टिक लग गया है, तो ये भी यानी ऐसी बेकार हो गई वीडियो। तो ये वाली पे आप जाएंगे, ये इसके तीनों नीचे हो गए, देखिए नीचे, इसका मतलब ये वीडियो कहीं डूब गई, ये अपने चलने वाली है ना। तो ऐसे करके आप जितनी भी अपनी वीडियोस हैं वो सब आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी वीडियो है और वो कौन सी वायरल हो सकती है, कौन सी। ये देखिए ये तीनों टिक ऊपर है, अब यहाँ पे व्यूज आए हैं, ये रैंकिंग हो गई, नंबर 1 पे है, 6.2% क्लिक थ्रू रेट है, ये आपको खुद बताता रहता है। वाइटिंग स्टूडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, आपको सब बताता है परफॉर्मेंस आपकी क्या है कैसे है। इसको समझ लेंगे तो समझ लीजिए आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत है, आप अपने चैनल को चेक कर सकते हैं। व्यू ड्यूरेशन आपका देखिए 5.14 है, 2 पॉइंट ये नीचे दे रखा है, नीचे इन्होंने दे रखा है कि इतना अगर है तो एवरेज है ना, एवरेज, और इससे ऊपर है तो फिर आपकी वीडियो बढ़िया। ये तीनों एरो ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब आपका बहुत अच्छा है। तो आप एनालिटिक्स में आएंगे और एनालिटिक्स में ओवरव्यू पे आप देखेंगे, यहाँ पे व्यूज होता है, ठीक है, वॉच टाइम होता है, ये आपके सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, फिर 48 घंटे में 28 दिन में कौन सी आपकी टॉप वीडियो चल रही है, कौन से आपके क्या है, और फिर ये रीच है, इम्प्रेशंस आपको देखना है कि इम्प्रेशंस आपके कितने दिन में कितने हुए, फिर क्लिक थ्रू रेट क्या है आपका, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पर से ये जो है नीचे, जब इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो ये है टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स, ये आपका मेन है कि आपका टॉप यूट्यूब सर्च कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से आपके कीवर्ड्स हैं। तो आप यहाँ पर से लाइफ टाइम करके डाल देंगे, तो लाइफ टाइम से आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे कि क्या आपका कौन सा कीवर्ड किस वीडियो में आपको इंसर्ट करना है, ये कीवर्ड्स आपके सर्च हो रहे हैं, यहाँ से आपका जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। 365 दिन का डाल के आप चेक कर लीजिए, लास्ट 7 डेज का डाल के चेक कर लीजिए, तो ये मेरे जो है कीवर्ड्स मेरे चैनल पे सर्च हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, रीच में जाना है, इम्प्रेशंस आपको देखना है, और फिर ये आपको देखना है कि आपका जो सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स वो क्या है, आपका एक्सटर्नल सोर्स गूगल सर्च से आ रहा है कि यूट्यूब सर्च से आ रहा है, सजेस्टेड वीडियो से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सी आपके सजेस्टिंग वीडियोज हैं, ये सब आपको देखना होता है। इंगेजमेंट आपका कैसा है, वॉच टाइम कैसा है, ये लाइन दिख रही है ना लाइन आपकी, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है, 1.14 है, रिटर्निंग व्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्निंग व्यूज का मतलब है कि आपके कौन से सब्सक्राइबर हैं जो वापस आते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने आपको सब्सक्राइब नहीं करा, व्यूअर्स कुछ है जिन्होंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, तो रिटर्निंग वाले वापस आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, नहीं है वो तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन न्यू व्यूअर्स जो ब्लू लाइन है, अगर न्यू व्यूअर्स आपके पास ज्यादा आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपके बहुत
बेहतरीन चैनल है, ग्रो कर रहा है। तो न्यू व्यूअर्स आपको देखना है कि आपके न्यू व्यूअर्स का यूनिक व्यूज मतलब कितने यूनिक व्यूज हुए, ठीक है। आपको अपना टाइम देखना होता है, ये टाइम मेरे हिसाब से मायने नहीं रखता। वैसे शाम का टाइम ज्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि आप देखिए लोग आपको कब फ्री होता है। मैंने बहुत टाइम डाल डाल के वीडियो देखी, सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी, लेकिन जिस टाइम ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है मतलब लोग जिस टाइम यूट्यूब पे ज्यादा होते हैं, तो मैंने देखा ज्यादातर शाम को होता है, सैटरडे संडे को होते हैं, है ना, 3 दिन ज्यादा होते हैं, मंडे के ही होते हैं। तो आप देखिए आपको मॉर्निंग में देखते हैं, ये जो है यहाँ पे चार्ट दिखाता है कि व्हेन योर व्यूअर्स जो ब्लू डार्क लाइन है, ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे दिख रहा है मेनी व्यूअर्स जो बहुत डार्क है। तो मेनी व्यूअर्स के आपके सुबह 11-12 बजे संडे वाले दिन ट्रैफिक ज्यादा होता है, बाकी मंडे को नहीं है ज्यादा ट्रैफिक, ट्यूसडे को शाम को होता है, सुबह होता है, वेडनेसडे को है नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को शाम को होता है ज्यादा। तो आप अपना देख लीजिएगा जिस टाइम आपको लगे कि आपके व्यूअर्स, बाकी चेक करते रहते हैं डाल डाल के कब होता है कब नहीं, ये आपकी एज है, जेंडर है, डेमोग्राफिक है, कौन कौन से आपके चैनल है, ये कौन कौन से आपके मतलब ऑडियंस है, ऑडियंस आपको पहचानना जरूरी है, एंगेजमेंट आपका कैसा है, कौन सी वीडियो में कितना एंगेजमेंट आया है, रीच कैसी है ना, ट्रैफिक सोर्स क्या है आपका, यूट्यूब सर्च में है, सजेस्टेड वीडियो में है, गूगल से आ रहा है, व्हाट्सएप से आ रहा है, व्हाट्सएप में ग्रुप बना रखा है आपने, ग्रुप बना रखे हैं वहां वीडियो शेयर करते हैं तो वहां से ट्रैफिक ले आते हैं आप अपने वीडियो में, जैसे आपने अपलोड करा तो वो सारी चीजें हैं। ये क्लिक थ्रू रेट CTR, ये CTR बहुत जरूरी है, ये CTR है 6.5 है ना परसेंट, तो CTR बहुत जरूरी है। मैं चाहिए तो अपना लेते हैं, डिबेट हुए हमारे जा रहे हैं कोचिंग, बैग चाहिए था, घंटा भर खड़े रहते हैं ये इंतजार करते हैं वीडियो बना रहे, ये नहीं कि अपने बैग लेके जाए, काम रोकना नहीं होता अपना, है ना, काम करते रहना था, ठीक है। तो ओवरव्यू आप अपना देखिए, इंप्रेशंस देखिए, CTR बहुत इंपॉर्टेंट है, CTR से पता चलता है कि आपका थंबनेल कैसा है, CTR आपका डिपेंड करता है थंबनेल पे, जो थंबनेल जितनी बार लोग क्लिक करेंगे, क्लिक थ्रू रेट वो होता है CTR। तो ये YT स्टूडियो है, इसको आप देख लीजिए, सीख लीजिए, मेन आपकी तीन सेटिंग है जो हमने आपको बताया, तीन आपको चीजें देखना है कि वीडियो चेक करिए कि कौन सा एरो किधर जा रहा है, तो वो समझिए वीडियो आपकी है, ठीक है। YT स्टूडियो में अगर और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, पूछिए मुझसे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।